नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, जिसको आप हीरा गोल्ड कंपनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैं हीरा गोल्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी दूँ कि आपका पैसा कंपनी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये सारी बात बताने के पहले मैं आपको दो लाइनें कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने ये लाइनें सुनी होंगी कि हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं इंसान बनेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बातें सिर्फ किताबी साबित हो जाती हैं, सिर्फ चुटकुला और कहानियां साबित हो जाती हैं जब लोग बिजनेस के अंदर भी धर्म का मसाला डाल देते हैं, उसके बाद फिर अपना पुलाव पकाते रहते हैं। दोस्तों, हीरा गोल्ड कंपनी को चालू करने वाले CMD नौहीरा शेख ने कंपनी को चलाने के पहले इसमें हिंदू मुसलमान का ऐसा रंग डाल दिया कि जितने भी इस्लाम से संबंधित लोग थे, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं खुद हीरा गोल्ड के ऑफिस में गया था तो मैंने देखा था कि जब वो लोग प्लान बताते थे तो उसमें भी ये बात कहते थे कि चूंकि हमारे धर्म में ब्याज नहीं चलती है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ये टोटल प्रॉफिट का बिजनेस है। आप लोग जो पैसा देते हैं उसको हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इनकम होती है तब हम आपको पैसा बांटते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि नौहीरा शेख भी उसी प्रकार की CMD में शामिल है जैसे और तमाम लोग भगोड़े हैं और तमाम लोग लुटेरे हैं। यहाँ पर भी टोटली मनी सर्कुलेशन का ही काम चल रहा था। उसके बाद जब वो विदेश में थी, एक बार उन्हें जब आ रही थी तो उनको मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज की तारीख में पूरे महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, तेलंगाना में उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँच चुका है। लेकिन दोस्तों, जैसे विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला है, मैंने कंपनी की पूरी डिटेल्स निकाली है कि आज भी कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, यानी कि आपको आपका पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है। और ये पूरा केस भी SEBI, RBI और सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा केस चल रहा है, उनकी नज़र में है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहाँ तक जो भी जानकारी मैंने हासिल की है, कि आप लोगों को इसका पैसा मिलेगा। सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि लोगों का जमा किया हुआ पैसा एसेट के रूप में मौजूद है, लेकिन अभी आपने जितना पैसा जमा किया था, जितना पैसा कंपनी को आपको रिटर्न देना है, उतने का एसेट कंपनी के पास है या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी मैंने निकालना शुरू कर दिया है। मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रख रहा हूँ, इनके वकीलों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों का पैसा आपको कब तक मिलेगा, आपको कितने और समय लग जाएंगे आपकी गाड़ी कमाई का पैसा आपको मिलने में, दोस्तों मैं सारी अपडेट्स मैं निकाल रहा हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में आपको बिल्कुल कंक्रीट जानकारी दूंगा कि हीरा गोल्ड कंपनी का पैसा आपको कब तक मिलेगा और कंपनी की क्या अपडेट्स हैं, कोर्ट की क्या डेवलपमेंट्स हैं। इन सारी जानकारी को मैं आपको तत्काल दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी के CMD का पूरा बैकग्राउंड, कंपनी के प्लान की पूरी जानकारी जानने के बाद ही आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। और खाली चकाचौंध में आकर के, बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी मीटिंग्स को देख करके आप अंधेरे में पैसा इन्वेस्ट ना करें, उसकी पूरी जानकारी निकाल लें। दोस्तों, मैं हीरा गोल्ड ग्रुप के बारे में बहुत जल्द से जल्द आपको न्यू अपडेट्स दूंगा और आपको सबसे सही और सटीक जानकारी सिर्फ मैं राजेश मिश्रा बताऊंगा मातृभूमि TV पे, वो भी शुद्ध हिंदी में, जो पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझता है। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ और देखते रहिए मातृभूमि TV। जय हिंद।